दोस्तों मैच के दौरान हमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में 13वें ओवर के बाद हमें एक ड्रामा देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, जैसे ही 13वां ओवर खत्म हुआ तभी कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को मना करते हुए उमरान मलिक को गेंदबाजी की कमान सौंपी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या खुश नजर नहीं आ रहे थे और इसके बाद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच बहस होती दिखी। दोस्तों हार्दिक पांड्या के रिएक्शन से साफ तौर पर दिख रहा था कि वो रोहित शर्मा के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज थे। दोस्तों आपको बता दें, विराट कोहली भी वहां पर मौजूद थे, हालांकि रोहित शर्मा ने इस मामले को संभाल लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या ने जो किया वो सही था या गलत, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।